तो व्हाट्सअप बडीज द कॉन्टिनेंटल का एपिसोड नंबर 3 रिलीज हो चुका है। इस वाली वीडियो में मैं उसका ब्रेकडाउन और इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमें पता है एपिसोड नंबर 3 इस पूरे सीरीज का फिनाले होने वाला था, तो इस वाली वीडियो में मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली। तो जैसा कि हमें पता था कि ये वाला एपिसोड में हमें एक्शन देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस वाले एपिसोड में थ्रू आउट द एपिसोड हमें एक्शन ही देखने को मिला था। एपिसोड की स्टार्टिंग दोबारा से फ्लैशबैक के सीन के साथ होती है, जैसा कि एपिसोड नंबर 1 और 2 में हुई थी। हमें यहाँ पर बचपन दिखाया जाता है विंस्टन और फ्रेंकी का। हम देखते हैं कैसे वो एक कार की ट्रंक के अंदर लेटे हुए होते हैं और उनकी मदर भी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर वो उनको ये कहती है कि ये जो मुश्किल वक्त है ये निकल जाएगा। और ऑफकोर्स यहाँ पर वो इसलिए उसके अंदर छुपे हुए होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उनके पीछे यहाँ पर आए हुए होते हैं। और जो हमें नेक्स्ट बड़ी चीज़ दिखाई जाती है, हम विंस्टन को देखते हैं जो कि मेसी के पास जाता है। आप लोगों को पता होगा मैं लास्ट एपिसोड में भी मेसी का कैरेक्टर दिखाया गया था, जहां पर उससे सही तरह से बात बन नहीं पाई थी कि यहां पर वो अपनी टीम विंस्टन को देगी कॉन्टिनेंटल में हमला करने के लिए। हम देखते हैं विंस्टन उसके पास जाता है और उसको वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल स्टोरी बताता है अपनी मदर की, कैसे मेरी मदर ने हमारे लिए सेक्रीफाइस कैसे किया, हम दोनों भाइयों के लिए किस तरह से वो मेहनत करती थी, किस तरह से वो जॉब करती थी। मगर इन दी एंड हम देखते हैं जहां पर कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, जो बैंक होता है ये उसने बैंक खरीदा हुआ होता है जहाँ पे वो अपने ऑपरेशनल वगैरह सब कुछ रन कर सके, ये बैंक वो उसको गिफ्ट कर देता है मेजी को, जिससे वो भी जो है ना उसके साथ यहाँ पर ऑन बोर्ड आ जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट बड़ी चीज़ हमें ये दिखाई जाती है विंस्टन जहाँ पर एक होटल के अंदर वो रह रहा होता है, और हम देखते हैं उसके पास वहाँ पर लू भी आ जाती है पहुँचने के लिए, मगर जो कोलमैक होता है वो अपने बंदों को वहाँ होटल तक ही पहुँचा देता है। और हम उसके बाद देखते हैं कोलमैक के बंदे उसको वहाँ से आके पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हमें फेस टू फेस भी देखने को मिलता है केडी और विंस्टन का, जहाँ पे इन दोनों का जो आई कॉन्टैक्ट वाला सीन था ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मगर हम देखते हैं जो ही केडी गन पॉइंट करती है वहाँ पर कोलमैक के बंदे आके फायरिंग कर देते हैं, जिससे जो केडी है वो थोड़ी सी जख्मी भी हो जाती है। और हम उसके बाद देखते हैं जो विंस्टन है उसको द कॉन्टिनेंटल लेके चले जाते हैं कोलमैक के सामने। और हम उसके बाद देखते हैं ये वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा औसम होता है, जब कोलमैक यहाँ पर बिल्कुल मार नहीं वाला होता है, विंस्टन को धक्का देने वाला होता है, क्योंकि द कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड्स में तो ऑफकोर्स वो मार नहीं सकता। ये मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था ये विंस्टन का ही प्लान था। जो ही वो वहाँ पर जाता है हम देखते हैं जो स्नाइपर गाय भी उसने अपना टीम का बंदा रखा हुआ होता है वो वहाँ पर फायर कर देता है दोनों को। और उसके फौरन बाद कोलमैक जब अपनी गन लेने जाता है टेबल के अंदर से, हमें वहाँ पर शेरन देखने को मिलता है। और यस अब हमें पता लग चुका है वेयर डज द शेरन रॉयल्टी लाइज, और ये यहाँ पर लाइक करती है विंस्टन के साथ। हम देखते हैं वो उसके बिल्कुल सामने गन भी पॉइंट करता है, मगर विंस्टन उसको मारने के लिए भी कहते हैं मगर वो उस पर फायर नहीं करता, क्योंकि ऑफकोर्स वो इतने देर से उसके साथ रॉयल था, उसके अंडर काम कर रहा था, वो भी थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा होगा। तो यस ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिल गई थी। लास्ट एपिसोड के एंडिंग में जो मैं पूरा सिनेरियो देखने को मिला था, जब शेरन पूरी डिटेल बता रहा था कि कैसे विंस्टन अपने बंदे ला रहे हैं हमला करने के लिए, तो ये यहाँ पर विंस्टन का ही प्लान था, और जो शेरन की रॉयल्टी है वो विंस्टन के साथ ही है। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक्शन एक्शन एंड एक्शन। हम देखते हैं जितने भी जो विंस्टन के बंदे होते हैं वो होटल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर कोलमैक भी अपने जितने जो बाउंटी हंटर्स बंदों को आज़ाद कर देते हैं कि जाओ इन पर हमला करो, उनके सर पर वो काफ़ी ज़्यादा कीमत भी रख देता है। हमें लू देखने को मिलती है जो यहाँ पर डोजो के अंदर ही होती है, वो द कॉन्टिनेंटल के अंदर नहीं गई होती। और हम देखते हैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा उसकी एक चाइनीज गाय के साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये स्टोरी दिखाई जा रही है। वो आदमी ये कहते हैं जहाँ पर तुम रह रही हो ये मेरी हमारे जो फादर है ना उनकी जगह है, तुम्हारे फादर ने इसको इलीगली ली थी, इसलिए हम देखते हैं वो वहाँ पर जबरदस्ती करके अपने बंदों के साथ तोड़फोड़ सब कुछ शुरू कर देता है। मगर इन दी एंड में हमें यह दिखाया जाता है जो लू होती है वो बॉम्ब से उन सबको उड़ा देती है, यानी कि उन सबकी डेथ हो जाती है, और उसका वो जो प्लेस होती है वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें द कॉन्टिनेंटल में ये दिखाया जाता है जो कोलमैक होता है वो रेड राइट भी जारी कर देता है। इसका मतलब पूरा वायलेंस 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 हर चीज यहाँ पर कॉन्टिनेंटल के ग्राउंड में इस टाइम ब्लड हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो चला जाता है आर्मरी के अंदर जहाँ पे सारी गन्स वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा यहाँ पर हमें जो आर्मरी दिखाई गई है आप लोगों को याद होगा हमें जॉन विक 3 में, मैंने पहले जॉन विक 2 बोल दिया था, जॉन विक 3 में भी हमें बिल्कुल सेम यही लोकेशन आर्मरी दिखाई गई थी जहाँ पर उस कमरे के अंदर गन्स ही गन्स सब कुछ वेपन्स वगैरह होती हैं। मगर जो हमें दरवाज़ा देखने को मिला है वो द कॉन्टिनेंटल में हमें जो दिखाया गया है वो अलग है एज कम्पेयर टू हमें जो जॉन विक 3 में दिखाया था, क्योंकि ऑफकोर्स वो इसके काफ़ी ज़्यादा 40 साल बाद की है, तो हो सकता है उन्होंने इसको रिप्लेस करके कुछ अलग कर दिया हो। तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ थी मुझे लगा आप लोगों को बता दो। और हम यही देखते हैं एकदम से वहाँ पर बंदे सब कुछ आ जाते हैं, मगर ये हमें पता लगता है वो जो बंदे होते हैं वो वहाँ पर मेसी के बंदे होते हैं, और एकदम से लाइट बंद हो जाती है और हमें यहाँ पर शूटिंग देखने को मिलती है, जिससे कोलमैक तो वहाँ से जान बचा के
भाग जाता है अपनी। और इसके बाद जो हमें चीज देखने को मिलती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें फाइनली पता लगता है केडी विंस्टन और फ्रेंकी के पीछे क्यों थी। हम ये देखते हैं जुई शेडन और वो वहां से जाने लगते हैं, विंस्टन केडी आ जाती है और उसके हेड पे गन तानती है। और हमें ये पता लगता है, आप लोगों को याद होगा एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था जब ये दो बच्चे थे तो इन्होंने घर पे जाके फायर बम से अटैक किया था, वहां पे आग लगा दी थी उस अपार्टमेंट के अंदर। तो गेस व्हाट, वो जो अपार्टमेंट था वो केडी की फैमिली का ही था और उसकी उस अपार्टमेंट में इसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से ये यहाँ पर इन दोनों के पीछे थी, जब उसको फ्रेंकी का पता लगा था इस वजह से वो इन दोनों के पीछे थी। हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको बिल्कुल मारने ही वाली होती है असली में, मगर वहाँ पर स्नाइपर से उसको शूट कर देता है वो वाला आदमी और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो भी जाती है। मगर जो विंस्टन है वो उसको वहाँ पर मेडिसिन दे के इंजेक्शन देता है और उसकी वहाँ पर जान भी बचा लेता है। और दूसरी तरफ हमें कॉलमैक को दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन रूम में जाके छुप गया होता है क्योंकि वहीं से सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है। और इस पॉइंट में यहाँ पर कॉलमैक को कोई भी फिक्र नहीं थी कॉइन प्रेस ही, उसको बस किसी तरह से विंस्टन को मारना था। अगली जो हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर डेथ देखने को मिल जाती है लेमिस की। हमें यहाँ पर एक करेक्टर देखने को मिला जो कि इन्हीं की टीम का हिस्सा था। हमें यहाँ पर जो फाइट देखने को मिलती है ट्विन्स होते हैं, हमें जो ब्रदर और सिस्टर दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं जो माइल्स होता है वो तो उसके ब्रदर से लड़ रहा होता है, हमें पूरा एक्शन सीन सब कुछ दिखाया जाता है। मगर उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर आ जाती है लू उसकी जान बचाने के लिए और ये दोनों मिल के यहाँ पर उस ब्रदर को हरा देते हैं, मगर ये भी मरने ही वाले होते हैं। वो जो हमें चाइनीज़ बच्चा दिखाया जाता है वो जल्दी से वहाँ पर आके पिस्टल दे देता है और ये इनकी हेल्प कर देता है। और जो एक ट्विन था यानी कि ब्रदर, उसकी तो डेथ हो जाती है, मगर वो मरने से पहले एक बम को वहां पे ऊपर फेंक देता है जहां पे लेमी होता है और लेमी की भी उस बम से डेथ हो जाती है। तो ये तो हमें जैसा कि फील आ रहा था कि किसी एक करैक्टर की तो डेथ देखने को मिलेगी, तो इस करैक्टर की यहां पे डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जो फाइट सीन दिखाया जा रहा होता है वो हमें दिखाया जा रहा होता है येन और दूसरी जो सिस्टर होती है ट्विन इसका। और पूरे एपिसोड में ये वाला एक्शन सीन मेरा फेवरेट था, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हमें जो इन दोनों लड़कियों का फाइटिंग सीन दिखाया जा रहा था काफी ज्यादा जबरदस्त था, मगर हम इन दी एंड यही देखते हैं कि कैसे काफी इंजर्ड कर देती है येन उस ट्विन सिस्टर को। मगर हम ये देखते हैं जुई वो पूर से ऊपर जाती है, हमें एकदम से लगता है कि हैं उसने येन को यहाँ पर मार तो नहीं दिया, मगर उसके यहाँ पर शोल्डर में होता है बम और वो बटन को दबा के उसको भी काफ़ी बुरी तरह से ब्लास्ट कर देती है। तो यस, दोनों ट्विन जो हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे इन दोनों की भी हो जाती है डेथ और जो येन है उसने अपने फ्लैंकी का बदला भी ले लिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ द कॉन्टिनेंटल की एंडिंग में। इस एपिसोड की एंडिंग में हमें यह दिखाया जाता है जो कॉलमैक होता है वो अपने सारे कार्ड्स को प्ले कर चुका होता है, उसके पास बस आखिरी ही ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन होता है द कॉन्टिनेंटल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, इसको यहाँ पर बम से उड़ा देना जो इसकी साइड की बिल्डिंग होती है और ये पूरी तरह से अंदर चला जाएगा, बिल्ड मतलब ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और इसके लिए उसको चाहिए होता है जो ऑपरेशन रूम को जो हेड करता है उसका हैंड चाहिए होता है, उसको वो मार के उसके हैंड से वो टाइमर भी लॉन्च कर देता है और वो जल्दी से वहाँ से फ्रोल में चला जाता है द कॉन्टिनेंटल की, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं वहाँ पर जल्दी से आ जाता है विंस्टन और विंस्टन जो ही वहाँ पे आता है कॉलमैक उसको मारता है और उसको ये भी बताता है कि मैंने जो तुम्हें तुम दोनों भाइयों को बचपन में मारने का काम दिया था जो फाइल का जिससे केडी की फैमिली की डेथ हुई थी, मुझे पता था उस अपार्टमेंट के अंदर फैमिली है और मैंने जानबूझ के तुम लोगों को ये वाला काम दिया था। और ये सारी बातें केडी सुन रही होती है और केडी मार देती है कॉलमैक को। यस, हम सबको लग रहा था डेट इट विल बी विंस्टन हु विल किल कॉलमैक, बट इट्स नॉट विंस्टन, इट्स केडी जो कि कॉलमैक को मार भी देती है, जो कि काफ़ी सही सी बात भी है, इन दोनों का लिंक भी आपस में बैठ रहा था। और केडी यहाँ पर विंस्टन को नहीं मारती क्योंकि उसको छोड़ देती है, उसको ये रियलाइज़ हो जाता है क्योंकि उस टाइम वो बच्चा था, इसकी गलती थी भी नहीं और इसने मेरी जान भी बचाई है। और हम इन दी एंड ये देखते हैं कि उसको किसी तरह से टाइमर को स्टॉप करना होता है, यहाँ पर विंस्टन ये करता है जो कॉलमैक का हैंड होता है उसी को कार्ड के ऊपर ले जाता है और उसको प्लेस करता है सेंसर के ऊपर, जो टाइमर है वो स्टॉप हो जाता है जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है अब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी और इनका मिशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। इन दी एंड हम ये देखते हैं ये सारे आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें जो सीन दिखाया जाता है हमें यहाँ पर जी एडजुकेटल देखने को मिलती है, जो वो वहाँ से बाहर जाता है वो आती है और वो उसको ये बताती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुमने उसको मार दिया कॉलमैक को, मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, मगर यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना सस्पेंड कर ली हूँ द कॉन्टिनेंटल को, जब तक जो हम कुछ डिसाइड नहीं कर लेते अब इसका कोई भी मैनेजर नहीं है। मगर वो उसको ये बताता है कि मुझे तुम्हारी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि तुम्हें कॉइन प्रेस चाहिए और मुझे पता है कॉइन प्रेस कहाँ है। और उसके बाद हमें कॉइन प्रेस दिखाया जाता है, कॉइन प्रेस थ्रू आउट द टाइम एक ही जगह पर होता है, वो होता है उसी कार के ट्रंक में जहाँ पर विंस्टन और फ्रेंकी बचपन में सोया करते थे, जहाँ पर उनकी मदर उनको वहाँ पर सुला के चली जाती थी। और हम देखते हैं फ्रेंकी ढूंढते हैं और उसी कार के ट्रंक पर उसको मिलता है यहाँ पर कॉइन प्रेस जो कि उसने फ्रेंकी ने छुपाया
हुआ होता है। वहां पर वो उसका करता क्या है, वेल वो उसको मेजी को दे देता है जिससे वो और कोइंस को बना ले और उसकी मदद से जो मेजी के बंदे हैं वो यहाँ पर द कॉन्टिनेंटल के अंदर रह सके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा द कॉन्टिनेंटल में एज यूजल पैसे डॉलर तो चलते नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वो कॉइन ही चलता है जो कि स्पेशल कॉइन होता है। और यहाँ पर जूई एजुकेटर उसको ये कहती है कि तुम अब इसके मैनेजर नहीं बन सकते, वो वहाँ पर बुलेट से फायर करता है और उसको वहाँ पर मार देता है। ये हमें चीज़ दिखाई जाती है। अब आप लोगों के जहन में भी वाला सवाल हो रहा होगा, है इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों मारा। देखें इसका काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल और ओबियस आंसर है, वो उसने ऐसा इसलिए किया विंस्टन ने, क्योंकि वो मैसेज देना चाह रहा था हाई टेबल को कि यहाँ पर तुम कुछ भी कर रहे हो मैं इस होटल का मैनेजर रह के रहूँगा। और एक तरह से आप इसको नेगेटिव वे में ना भी देखें, वो एक तरह से डील भी बनाना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप लोगों ने जॉन विक की तीनों मूवीज़ की एंडिंग देखी है आप लोगों को पता होगा जो हाई टेबल है मामला एंड में जाके किसी ना किसी डील पर ही आके रुकता है। और मे भी यहाँ पर जो विंस्टन है वो यही चाह रहा हूँ कि मैं इनको अच्छी डील हो जाए मेरे इनसे, क्योंकि इनको तो कॉइन प्रेस चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉइन प्रेस इस टाइम मेरे पास ही है, तो यहाँ पर मैं इनसे डील ही कर लूँगा कि मुझे होटल का मैनेजर रहने दो। और इस वजह से तो ये हमें यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई जा रही है। और दूसरी तरफ आप इसको ये भी कह सकते हैं वो मैसेज देना चाह रहा है कि यहाँ पर जो एजुकेटर को तुमने भेजा था इसको हटा दो, हम दोनों मिलकर फेस टू फेस बात करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ दिखाई जाती है। और इससे ये भी चीज़ जाहिर होती है कि जो विंस्टन है वो हाई टेबल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं डलता, वो उसको किस भी किस्म का चैलेंज फेस करना चाहे वो कर सकता है। और हमें फाइनल सीन में यही दिखाया जाता है जो विंस्टन होता है वो द कॉन्टिनेंटल के पेंट हाउस में एंजॉय कर रहा होता है। अब मैं बस लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, आई नो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और लास्ट चीज़ ये है कि द कॉन्टिनेंटल जॉन विक को कैसे सेटअप करती है, मतलब हम इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि जॉन विक को सेटअप करती है। वेल सबसे पहले तो हमें यहाँ पर विंस्टन का पता लगा कि वो होटल का मैनेजर कैसे बनता है, सॉरी द कॉन्टिनेंटल का मैनेजर कैसे बनता है, उसको किस किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसकी और शैरन की केमिस्ट्री आप उसमें कैसे बनती है, जब शैरन उसको कितना ज़्यादा उसके साथ रॉयल हो जाता है। तो वेल इन दोनों की केमिस्ट्री भी हमें इस वाले सीरीज में पता लग गई है। तो वेल ये हमें द कॉन्टिनेंटल के फिलहाले में देखने को मिला था। और इन दी एंड मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया मेरे इस कॉन्टिनेंटल की सीरीज में, आप लोगों ने काफी ज्यादा मेरा साथ दिया, तो वेर उसके लिए भी काफी ज्यादा अगेन थैंक यू। और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा, ये वाली आप लोगों को पूरी सीरीज कैसी लगी थी, आप लोगों का फेवरेट एपिसोड कैसा था और आप लोगों का फिनाले कैसा लगा था मुझे जरूर बताइएगा। ओवरऑल वीडियो यही तक थी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।